वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है सोनी कुमारी जी ने, और मैं सोनी कुमारी जी को बोलना चाहती हूँ कि आप हमें ईमेल्स भर भर के कर सकती हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें बिल्कुल तंग नहीं करती, हमें बहुत अच्छा लगता है आपकी ईमेल्स पढ़ना, इनफैक्ट हमें सबकी ईमेल्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आप अपने मन की बातें हमारे साथ शेयर करते हैं। वेल अभी हम वीडियो देखने जा रहे हैं जो आपने सजेस्ट की है, और वीडियो का टाइटल बताएंगे। टाइटल है व्हाई नासा यूजेस संस्कृत, नासा क्यों इस्तेमाल करता है संस्कृत मॉडर्न बाबा। वैसे ये टाइटल मुझे भी बहुत अच्छा लगा था क्योंकि संस्कृत जो है वो अब हम लोग देखते हैं तो वो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है। तो आज हम देखते हैं कि नासा में भी अगर यूज होती है तो कहां पर यूज होती है, तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ऑफिशियल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें मॉडर्न बाबा के चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। द एथनोलॉग कैटलॉग ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेजेस के मुताबिक दुनिया में टोटल 6909 लैंग्वेजेस हैं। फर्स्ट लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो चाइनीज सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। बहुत से लोगों का मानना है कि इटालियन या फिर फ्रेंच सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। अगर प्राचीन भाषा की बात की जाए तो सबसे प्राचीन भाषा में तमिल आता है। फिर भी आखिर नासा संस्कृत में क्यों इंटरेस्टेड है और वो क्यों इसे सीख रहे हैं? दुनिया में किसी भी अन्य भाषा की अपेक्षा संस्कृत में सबसे ज्यादा वर्ड्स का कलेक्शन है। अब तक संस्कृत में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्दों का इस्तेमाल हो चुका है। अगर कंप्यूटर और एडवांस टेक्नोलॉजीज में इसका यूज किया जाए तो आने वाले 10 सालों में यह और भी ज्यादा इस्तेमाल होने वाली भाषा बन जाएगी। कंपेरेटिव टू अदर लैंग्वेजेस संस्कृत यूज करने से सबसे कम शब्दों में ही हमारे वाक्य संपूर्ण हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और MIT जैसे कई मुख्य यूनिवर्सिटीज अमेरिका में संस्कृत सिखा रहे हैं। और नासा में भी एक डिपार्टमेंट है जो प्राचीन संस्कृत में लिखे गए हस्तलिपि पे रिसर्च कर रही है। जुलाई 1987 के फोर्ब्स मैगजीन ने लिखा था, संस्कृत इज द मोस्ट कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छा लैंग्वेज संस्कृत है। संस्कृत एक अत्यधिक नियमित भाषा है। नासा ने इसे इस ग्रह पे सबसे स्पष्टता से बोला जाने वाला एकमात्र भाषा घोषित किया है। नासा साइंटिस्ट के एक रिपोर्ट के मुताबिक नासा अभी 6th और 7th जनरेशन कंप्यूटर पे काम कर रही है जो कि संस्कृत भाषा पे आधारित है। वेद, स्मृति, श्रुति और उपनिषद जैसे उन्नत विज्ञान से भरपूर किताब संस्कृत में लिखे हुए हैं। नासा के पास संस्कृत में लिखे हुए 60,000 पांडुलिपि है जिसपे वे रिसर्च कर रहे हैं। संस्कृत सीखने से हमारे दिमाग की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स जिसे बहुत से लोग कठिन समझते हैं, इसमें भी संस्कृत सीख रहे विद्यार्थी काफी बेहतर परफॉर्म करते हैं। इससे हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। इतने सारे लाभ को देखते हुए जेम्स जूनियर स्कूल लंदन ने संस्कृत को कंपलसरी कर दिया है, और ऐसा ही आयरलैंड के कई स्कूलों ने किया है। यहाँ के विद्यार्थी हमेशा टॉपर्स की लिस्ट में शामिल होते हैं। रिसर्च से पता चला है कि संस्कृत के फोनेटिक्स का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे बॉडी के एनर्जी पॉइंट से होता है। जब हम संस्कृत बोलते या पढ़ते हैं तो ये एनर्जी पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। साथ ही रोग प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस पावर भी बढ़ता है, दिमाग रिलैक्स होता है और स्ट्रेस से आज़ादी मिलती है। संस्कृत हम सब भारतीयों की भाषा है। मुझे यकीन है कि आप लोगों का ये वीडियो देखकर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे ही और भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें जानकारी कमेंट करके आप दे सकते हैं। आप अपने दोस्तों के वीडियो ज़रूर दिखाएं, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार। बात करें अगर आज की इस वीडियो की तो मुझे इससे पहले बिल्कुल मालूम नहीं था कि नासा जो है वो संस्कृत जो है उसे इस्तेमाल कर रहा है या उस पर रिसर्च कर रहा है। बट मैं यहाँ पर ये बोलूंगी कि मुझे कुछ इतनी हैरानी इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि हमेशा यही होता है कि बाहर के लोग फायदा उठाते हैं यहाँ की चीजों से और फिर उसके बाद वो उन्हीं को पढ़ के उन पर रिसर्च कर। अच्छा, मुझे लगा शायद कहीं और, मतलब वाकई में तुम। हाँ, ये हकीकत है। और अगर अभी नासा में संस्कृत
संस्कृत पढ़ी जा रही है या उसको समझा जा रहा है या उसकी रिसर्च की जा रही है, तो उसकी रीजन यही है मौजूद कि उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो जानकारी आपको मिलेगी, आपके जानने के लिए बहुत सारी, क्योंकि देखा जाए तो ज्यादातर जो चीजें हैं वो यहाँ से ही इन्वेंट हुई थी, जिनमें से जीरो और सर्जरी बिल्कुल, फिर उसके बाद अगर हम कॉस्मेटिक्स बात करें, साइंस की बात बिल्कुल, करें मैथ, बिल्कुल मैथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने वीडियोस में देखी हैं। तो मैं ये बात बोलूंगी कि ये अब मतलब टाइम ये कि यहाँ के लोग भी इस चीज को एक्सेप्ट करें और समझें और उसको पढ़ें सीखें। अच्छा वैसे तो वीडियो में उन्होंने जिक्र किया कि सबसे पुरानी जो लैंग्वेज है वो तमिल है और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है वो चाइनीज है। वैसे चाइनीज को तो मैंने पढ़ा था कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा जो भाषा इस्तेमाल की जाती है वो चाइनीज है और सबसे खूबसूरत जो है ना वो फ्रेंच है। तो वैसे बता मुझे ये पता था मौसम के ना सबसे ज्यादा जो बोली जाती है वो इंग्लिश है। नहीं नहीं इंग्लिश इंग्लिश सबसे ज्यादा दुनिया में जो है वो चाइनीज बोली जाती है। इंग्लिश का जो है वो चौथे के अपने पांचवें नंबर पे वो आती है और तीसरे नंबर पे हिंदुस्तानी जुबान आती है जो कि हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोग बोलते हैं ना, हाँ वो बोली जो बोलते हैं वो आती है। लेकिन अगर संस्कृत की बात करें तो वैसे जब हम प्योर संस्कृत सुनते हैं हमें वो इतनी समझ नहीं लगती क्योंकि हमने उसे यानी कि हमें उस तरह ट्रेन नहीं किया गया, क्योंकि हम जैसे ही बड़े होते हैं स्कूलों में जाते हैं हमारे जो बड़े होते हैं उनकी कोशिश करते हैं बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि ये जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज है, बाकी जो अपनी लैंग्वेज है वो तो हम छोड़ ही देते हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हो। फिर उसके बाद मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी और मुझे इसलिए थोड़ा सा ना अलार्मिंग सिचुएशन लगती है, जैसे वीडियोज में हम लोगों को बताया जाता है कि हम लोगों को सारे उसके बेनिफिट्स भी बताए जाते हैं, जैसे कि इस वीडियो में भी बताया गया कि संस्कृत के क्या फायदे हैं, कि जो आपकी एनर्जी पॉइंट्स होते हैं उनमें कितना हेल्प करती है। लेकिन एक देखो चीज मौजम कि इंग्लैंड में अगर संस्कृत की क्लास हो रही है तो ये देखो कि वो आने वाले टाइम के लिए अपने बच्चों को तैयार करें तो डेफिनेटली उस चीज में कोई फायदा है। तो वो असल में बेसिकली वो जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा चीजें एडवांस में जो है यानी कि उसे कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं ताकि इन फ्यूचर जब ये चीज आए तो हम लोगों को परेशानी ना हो, हम लोग जो हैं उनका शुमार जो है। उन लोगों की सेंस देखो ना, उनकी सेंस कितनी अच्छी, बहुत अच्छी है। वो लोग आने वाले टाइम के लिए खुद को प्रिपेयर पहले करना शुरू करते हैं और हम लोग तब करते हैं जब हमारे सर्वे पड़ती है। बिल्कुल ये डिफरेंस और ये समझ जब हमें आ जाएगी ना तो हम लोग भी कम्पीट करना। यहाँ पे मैं एक और चीज जो है वो कहना चाहूंगा, जैसे कि देखें बाहर के मुल्कों से अब जो है कितने लोग जो है जो विदेशी लोग हैं इंडिया में आ रहे हैं, आके संस्कृत सीख रहे हैं और हमने वीडियोस भी कई देखी हैं, इवन के गंगा किनारे जो है वाराणसी में वो रहते हैं वहां पे रह के सब कुछ सीख रहे हैं। तो इट्स मीन कि वो कुछ जो है वहां से गेट कर रहे हैं, बिल्कुल ग्रैब कर रहे हैं चीजों को। बिल्कुल वाकई और मुझे तो बहुत अच्छी लगी वीडियो और पता नहीं मुझे फ्रेंच में तो बस एक ही वर्ड मुझे आता है बोंजो, वो भी इसलिए क्योंकि फ्रेंच टीचर आया करती थी बच्चों को सिखाया करती थी तो जब हम भी साथ में बैठे थे थोड़ा सा यही आ जाया करता बोंजो, हां बोंजो। तो बस इसके अलावा मुझे तो और कोई फ्रेंच का वर्ड नहीं आता, लेकिन ये कि भाई मेरे लिए तो सबसे ज्यादा खूबसूरत जुबान जो हम बोलते हैं हमारी जुबान है क्योंकि इसको बोलने में जितना अच्छा लगता है। और मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि बहुत सारे लोग इंग्लिश गानों को पसंद करते हैं, अच्छे होते हैं वो भी, और म्यूजिक की कोई बाउंड्री नहीं होती, बट जब हम अपनी जुबान में लैंग्वेज गाने सुनते हैं ना तो उसका एहसास ही कुछ और होता है। हाँ, वैसे आजकल के गानों की बात करें तो आजकल के गानों को सुनकर फीलिंग्स सच्ची जो बात है वाकई में कोई फीलिंग नहीं आती। लेकिन हाँ अगर पुराने गानों की बात करें ना यानी कि 2000 से पहले के गानों की बात करें 90s 80s 70s 60s उन गानों में वाकई एक पोइट्री थी, उनके जो लिरिक्स थे वो वाकई ऐसे थे कि इंसान को ना एक वो कहते हैं ना अंदर तक फीलिंग्स देना झिंझोड़ देना। वैसे अभी भी मैं ये कहूंगी कि मुझे पता है कि बहुत ज्यादा नहीं बनते सॉन्ग ना, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो वाकई में आपको कुछ बहुत लिमिटेड, लेकिन पुराने लोग अभी जा रहे हैं आउट ऑफ
क्रैक, तो मुझे लगता है हमें वीडियो से रिलेटेड बात करनी चाहिए. वीडियो बहुत है इंटरेस्टिंग और हम लोग को बहुत मजा आया सुनने का, और आपको देखने का कितना मजा आया ये जरूर बताइएगा. कितनी इन्फॉर्मेटिव है, जैसे कि बताया भी गया कि ये बहुत ज्यादा कंप्यूटर फ्रेंडली भी है, तो मतलब ये भी एक बहुत बड़ी, ये भी और क्या नाम है, हैरानकुन भी थी. बिल्कुल हैरानकुन भी थी. और ये जरूर बताइएगा, मैं थोड़ी सी क्यूरियस इसलिए हो रही हूँ कि आप लोगों में से किन किन को संस्कृत आती है, और क्या संस्कृत इंडिया के मतलब जो आपके जो एजुकेशनल सिलेबस है उसमें ऐड है या नहीं इसका, क्योंकि दुनिया तो ऐड कर रही है, अब पता नहीं इंडिया में है कि नहीं. वैसे होता है या नहीं होता इसका एक सब्जेक्ट, ये भी मुझे जानने की क्यूरियोसिटी है. और ये भी मुझे जानने की क्यूरियोसिटी है कि कौन कौन से वर्ड्स आपको संस्कृति के, सॉरी संस्कृत के आते हैं, अगर आपको मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आती, ज्यादा नहीं आती, तो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो आप जानते हैं, हमारे साथ जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा. वैसे मुझे ये नहीं मालूम कि सिलेबस में है कि नहीं, लेकिन जो क्या नाम लेते हैं, जो वाराणसी शहर में जो लोग रहते हैं, यानी ये पंडित टाइप जो लोग होते हैं, उन्हें लाजमी आती होगी, यानी कि जो होते हैं ना, जो जिनका काम है ज्ञान बांटना, उन्हें लाजमी आती होगी. और याद है हमने एक वीडियो भी देखी थी जिसमें जो है एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन भी थी जिसमें संस्कृत जो है सिखाई जाती थी. बिल्कुल, तो जरूर हमें बताइएगा. और इसी लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय.